अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। और सुबह सुबह का टाइम है और आज हमने व्लॉग जो है ना सुबह सुबह ही स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि जल्दी व्लॉग स्टार्ट करें तो फिर जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, काम जल्दी कवर हो जाते हैं। तो अभी जी मैं जलाने लगी हूँ तंदूर, और सुबह सुबह आवाज़ जो है ना वो मेरी भारी होती है। वो अक्सर ऐसा होता है ना, क्योंकि अगर मैं सारा दिन काम करूँ ना तो फिर थकावट की वजह से जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी आवाज़ भारी भारी लगती है। कल सारा दिन मैं और शहजाद साहब जो है ना वो रूम को लग रहे, कल सारा दिन हमने रूम की सेटिंग की और माशाल्लाह जी आप लोगों ने देखा कि कितना प्यारा रूम बन गया। और अभी जो है ना बाहर वाले जो फ्रंट लुक है ना वो हमने इतनी खूबसूरत बनानी का वो भी देखते रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले नाश्ता बनाना है। नाश्ता बना के नाश्ता करने के बाद पिछले व्लॉग में शहजाद पिछले व्लॉग सुबह का नाश्ता जो है ना शहजाद साहब ने पूरे 1 बजे किया था, तो इसलिए मैंने कहा सुबह का नाश्ता बनाने के बाद ही बाकी काम बाद में करेंगे। नाश्ता करने के बाद बाकी काम तो होते ही रहेंगे। और आज शहजाद साहब ने कहा कि मैंने खानी तंदूर की रोटी, काफ़ी दिन हो गए और आज जो है ना तंदूर पर रोटियाँ लगा लें। तो जी मैं तंदूर कर रही थी साफ, तंदूर से राख निकाल रही हूँ। अब्दुल हादी को मस्जिद से वापस लेके आ रहा हूँ, और सुबह सुबह इसकी डिमांड थी कि मुझे जो है ना शॉप पे लेके जाएं और वहाँ से मुझे चीज़ लेके दें। और अभी सूरज ये देखें और कुछ बच्चे वो सामने जा रहे हैं जी। और अब्दुल हादी भाई के लिए भी चीज़ ली थी आपने, अब्दुल्ला के लिए चीज़ ली है आपने। चलें जी, और अभी चलते हैं घर। बेगम साहब नाश्ता बना रहे, नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो बाकी काम जो ना वो करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, इधर भी बाय कर दो व्यूअर को भी। ये हाँ जी, ये जी टिकटॉक बिस्किट है, ये देखें, एक अब्दुल्ला के लिए और एक अब्दुल्लादी के लिए लेके आए। और इसके बाद जिसने लिया क्या लिया था, फूक। फूक हाँ जी, एक फूक मैंने लिया था, ये देखें जी। मैंने कहा जी मस्त से लेने जाएं तब भी डिमांड और छोड़ने जाएं तब भी डिमांड। बच्चे ऐसे ही करते, बच्चों ने अगर कोई भी काम करना तो पहले डिमांड करते कि मम्मा पापा पहले ये काम करें बाद में मैं ये काम करूंगा। और तंदूर माशाल्लाह जी जल गया, काफ़ी लोग जो है ना वो तंदूर के पराठे नहीं पसंद करते, और काफ़ी ऐसे हैं जो मतलब के बड़ा पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं जी बिल्कुल। अगर खाए ना वो तवा वाला पराठा तो वो काफ़ी गर्म होता है। वैसे भी जो है ना वो डॉक्टर भी मना करते हैं कि ऑयली जो है ना चीज़ नहीं खानी चाहिए, और वो काफ़ी गर्म भी हो जाते हैं, गर्म चीज़ों में शामिल हो जाते हैं तवे के पराठे। और ये माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। माशाल्लाह जी इसकी ग्रोथ देखें बहुत अच्छी तरह हो रही है। माशाल्लाह ये देखें अभी छोटा सा है और इसने फूल निकालने शुरू किए हैं, और ये शाखें देखें न्यू निकल रही हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर हमारा रेड हो चुका है, और अभी बेगम साहब बनाते हैं जी पराठे। और आपको रेड तंदूर भी थोड़ा सा दिखा दूँ कि कैसा होता है, ये देखें माशाल्लाह।
और अभी तंदूर की सफाई करेंगे, जो राख साथ लगी होती है ना वो निकल जाती है। फिर ये है कि पराठों के साथ या रोटियों के साथ लगती नहीं है, ये करना ज़रूरी हो जाता है। और इसके बाद जी इंशाल्लाह नाश्ता वगैरह करेंगे। और आज आप लोगों को हमारे कमरे की जो फ्रंट है ना, ये बहुत बहुत खूबसूरत बनने वाली है, आप सब ने देखनी है कितनी प्यारी बनेगी माशाल्लाह। और दूसरा जी आप लोगों से मशवरा हमने ये करना था कि जो हमने ये गमले बनाए हैं ना, ये गिले हुए थे, इसके अंदर जो हमने पानी डाला था ना जब, और वो ये भी टूट गया, एक वो खुद ब खुद ही टूट गया था। और ये भी आप लोगों ने बताना है कि हम ये चेंज करके जैसे वो आखिर में बड़ा हुआ ना बड़ा गमला, उस तरह गमला रख दें सारे, या मतलब कि दोबारा न्यू बनाएं। मशवरा आप लोगों ने देना है क्या करना चाहिए हमें। मैं ये सोच रही हूँ कि ये मिट्टी वाले हैं ना, इसमें पानी डालते हैं तो वो गिले होके मतलब मिट्टी जो नीचे गिर जाती है, तो अभी ये रखेंगे ऐसे ही, लेकिन इसमें दूसरे गमले रख के ना पक्की मिट्टी वाले जैसे वो पड़े हैं, फिर ऊपर से मिट्टी लगा दूंगी, फिर अगर उसमें पानी भी डालेंगे ना तो गिरेंगे नहीं। अभी जिस तरह से तैयार करने और रोटी माशाल्लाह अंदर तैयार भी हो चुकी है, ये देखें रोटी तैयार होगी पहले। हाँ जी तैयार होगी, उतार ले माशाल्लाह। ये है जी पहली रोटी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और सब मेरी बहनें कहती हैं जी आप गिद्दी से लगाया करें, मैंने जो है ना वो शुरू से मतलब नहीं सीखा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हाथ दिए हुए और हाथों में अल्लाह ताला ने बड़े हुनर और गुण रखे हुए, तो इसलिए जी गिद्दी की जरूरत नहीं पड़ती, काफी नहीं पड़ती, वो तो जिनको नहीं लगानी आती ना फिर वो हाँ लगा लेती है। अगर गिद्दी के बगैर ही काम हमारा चल जाए तो फिर हमने लाजमी वो इस्तेमाल करनी है। और हमारे गांव में जितनी भी औरतें हैं, जितने भी तंदूर पे लगाते हैं, कोई भी गिद्दी इस्तेमाल नहीं करता, सब ही जो है ना ऐसे हाथ से लगाती है। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग जाती है हाथ से, हाथ से बिल्कुल, ये देखे वो एक आदत सी बन जाती है। तो बाकी दूसरी रोटी माशाल्लाह, हाँ वो माशाल्लाह बड़ी प्यारी बन गई माशाल्लाह, तंदूर की रोटी माशाल्लाह। एक दफा मैंने जो है ना वो सूखी रोटी लगाई है, अभी जी लगाते हैं घी वाली, क्योंकि घी पहले लगाए ना पहली पुठ जिसे कहते हैं तब घी वाली गिर जाती है। मैंने क्या कि सारी रूखी बना लेती हूँ और ये दोपहर के बीच में इकट्ठी है, क्योंकि दोपहर को फिर हमने काम करना, फिर रोटियां बनाना मुश्किल हो जाएंगी। और आपको रूम दिखाऊं माशाल्लाह अंदर से कैसे है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह, पंखा चला हुआ है और नीचे बेगम सबन चारपियाँ रख दी थी सुबह सुबह, जो हमने बाहर डाली थी वो उठा के अंदर रख दी थी, और उनके ऊपर कपड़ा वगैरह डाला हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती। और यहाँ पे पड़ा हुआ जी हमारा मटका, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं जी घड़ा, और साथ कूलर पड़ा हुआ है, और ऊपर दो गिलास पड़े हुए, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ जी रोटियाँ बन गई, अब बताइए जी रूम कैसा लग रहा है, पहले अजीब सा लग रहा था, काफ़ी बहनें कह रही थी कि आपने ये चेंज नहीं करना, कोई कलर नहीं करना, ऐसे ठीक लग रहा है मिट्टी का, लेकिन वो मिट्टी उतरती रहती थी, अब ये है ना कि उतरेगी नहीं, जैसे मर्जी आप हाथ ऐसे लगाती रहेगी ना, ये देखिए हाथ साफ बिल्कुल ऐसे ही है ना जी, वो भी उन जगह पर सही है, मतलब वो कहते हैं मिट्टी से ज़्यादा खूबसूरत होती है, नेचुरल जैसे ब्यूटी कहते हैं वो वाली होगी। ये तो हमने रूम से किया है, रूम से तो वैसे भी जो है ना वो सजावट होनी चाहिए, बंदा रूम में बैठना तो ऐसे अच्छा अच्छा होना तो फिर दिली सुकून बहुत ज्यादा मिलता है, यकीन माने। अभी इतना अच्छा लग रहा है जैसे हम किसी पक्के घर में बैठे हैं, लेकिन बाहर वाला जो है आप लोगों को पता सारा मिट्टी का ही है, बाहर से हमने कोई पेंट वगैरह या कोई भी इस तरह नहीं करना, वो मिट्टी का पोचा ही बाहर से खींचना है, दीवारों को भी हमने और मिट्टी लगा के दीवार को तो उसके ऊपर भी ऐसे मिट्टी का पोचा ही फेरना, बाहर से आपको नेचुरल ब्यूटी ही मिलेगी। लेकिन ये रूम आप खुद ही बताएं आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो कल का इतना प्यारा लग रहा है और बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है जी, जबरदस्त मेहनत तो की है लेकिन मेहनत का फल भी लग रहा है माशाल्लाह। अब जल्दी से नाश्ता ले, नाश्ता करें। यहाँ पे हमारा सालन जो ना वो गर्म हो रहा है तंदूर के ऊपर, क्योंकि अभी तंदूर के अंदर आग थी और बेगम सब ने ऊपर रख दिया है। तो नाश्ता हमारा आ चुका है जी, सालन गर्म हो चुका है और पानी भी आ चुका है और बच्चे भी आ चुके हैं। अब्दुल्ला जो है ना वो झूले में और अब्दुल हादी जो है ना वो हमारे साथ बैठ के खाना खाने लगा है, और अब्दुल्ला ने अभी दूध पिया था इस वजह से अभी ये मसर है, और मसर हम नहीं खिलाएंगे क्योंकि उसने अभी दूध पिया। हाँ दाल, ये अभी नाश्ता कर लेते जल्दी से और उसके बाद ये बाकी काम काज करते हैं। ऐसे है अब्दुल हादी, ऐसे है ना। आज क्या पढ़ा था आपने? लिबादा और
माशाल्लाह दिन ब दिन अच्छा पड़ता जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बादल देखे कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे, अल्लाह की शान देखे माशाल्लाह। और नीचे से और भी निकल रहे हैं, ये देखिए नीचे से आ रही है वाले माशाल्लाह। तो अभी हम जी फ्रंट का काम शुरू करने लगे हैं, और मैंने कहा अभी थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दे दूं कि कुछ इस तरह का लग रहा है, और उसके बाद जी इंशाल्लाह हम जो ना काम स्टार्ट करते हैं और फ्रंट जो ना ये थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और धूप भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम जो ना इंशाल्लाह काम करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने लगा दी मरम्मत लगा दी, जो मतलब कि त्रेड़े थी दर्जे बनी हुई थी उनको बंद कर दिया यहाँ पे भी, और ऊपर भी एक दो आपको नज़र आ रही होंगी ये देखें इस तरह। अभी ये ना कि ये प्लास्टिक पैरस है, इससे दोबारा फटेगी नहीं उम्मीद है। तो अभी जल्दी से पोछा लगाते हैं और फ्रंट लुक बनाते हैं। तो जी ये व्लॉग जो है ना हमने काफ़ी देर बाद स्टार्ट किया है, सुबह नाश्ते के वक्त जो है ना कैमरा ऑफ किया था, और अभी टाइम जो है ना चार बज गए क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद जो है ना कपड़े धोने चली गई थी। मैंने कहा ये काम पहले कर लें, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा सेकंड टाइम छाँव भी आ जाएगी, और फिर ये जो यहाँ पे पोछा भी लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने साथ जो है ना चने भी रखे हुए, मैंने कहा ब्लैक वाले जो चने होते हैं काले वो वाले, तो मैंने कहा साथ साथ आग भी जलाती रहूँगी, ये भी हो जाएंगे। फिर आज हम बनाने लगे दाल वो चावल बनाएंगे, ये वाला जो है ना पेंट ये पड़ा हुआ था, और इस बाल्टी में मैंने पोछा जो है ना वो रख के लगाना है इसमें डाल के, क्या देख रहे हैं। और ये जो है हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये हम जी ईंटों पे लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी ये पक्का है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ईंटें हमारी हो चुकी हैं देखें माशाल्लाह। अभी जब ये खुशक होंगी तब इनका कलर और तेज़ हो जाएगा, अभी तो ये गिल्ली है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीछे हो जाओ बेटा कपड़े ख़राब हो जाएंगे आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर ऊपर से लाइट वाले फिर ज्यादा जलील कर लेते हैं।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब देखे माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा, कमरे की फ्रंट देखे माशाल्लाह। चार भैया बेगम साहब ने बाहर निकाल दी और कलर भी कम्प्लीट हो गया, और जो हमने पोचा लगाना था ना वो भी लग गया। और वैसे भी सब बहन भाई कह रहे थे कि कलर से भी प्यारा लग रहा है, लेकिन जो है ना आप मट्टी वाला ही रखे घर, हमें बहुत प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने बाहर से इतना ज़्यादा पेंट नहीं किया। और कल का जो हमने व्लॉग अपलोड किया था उसमें सब ये कह रहे थे कि विंडो भी करें और दरवाज़ा भी करें, तो इसलिए मैंने ये दरवाजे की जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे भी रेड कलर लगा दिया, वो विंडो भी कर दी है। और अच्छा, वो मैंने देखे नहीं, वो आपने गमला भी कर दिया? तो मैंने मैचिंग कर दी ना, गमला भी कर दिया है। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह जी, बड़ा प्यारा लग रहा है। और दुल्हन की तरह जैसे वो कहते हैं हमने घर से जा दिया। अभी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को जो हमारा किचन है ना, किचन वाली दीवार जो ना ये खूबसूरत लगेगी। ये जो आपको बस यही कमी रह गई है, इनको मरम्मत करना है। गमले जो है ना मैं इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगी, आज टाइम बहुत कम था तो इसलिए ये नहीं हुआ। बस ये वाली चीज जो है ना ये रह गई है, इसको इग्नोर करें। बाकी ये माशाल्लाह देखें जी कितना खूबसूरत हो गया। अभी तो इंशाल्लाह जी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना ये और प्यारा करेंगे। तो अभी सब बहन भाइयों की इस दीवार की टेंशन है, इसे लिपाई करें, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये आपको क्या, हमें नहीं अच्छी लग रही, ये भी इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ गर्मी है, आज कितनी गर्मी थी ये बताएं आप। बहुत ज्यादा गर्मी थी, यकीन माने ऐसे ना सारा दिन ऐसे लग रहा है जैसे मतलब दूर कहीं आग लगी हुई हो ना, तो उसका आग का सेका जो होता है ना वो जैसे आ रहा होता है। इतनी गर्मी, बस इतनी गर्मी, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी सपोर्ट की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से जो है ना हम लगे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हम लोग तो आप पे छोड़ देते हैं कि आप लोगों ने हमारी जो है ना हौसला अफजाई करनी होती है, हमें इनाम देना होता है। बाकी वो मालक भी, आप सब ने ये भी दुआ करनी कि वो मालक भी हमें अपनी मेहनत का फल दे। मेहनत कर रहे हैं अपने हाथों से, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, खुशी हम इसलिए होती है कि हम अपने हाथों से करते हैं काम। अल्हम्दुलिल्लाह होता है ना, मतलब बंदा आगे से करवा लेता भी, मड़ा हाउस बनाना है आगे से बंदा बनवाना, नहीं एक एक काम हमने किया है, हमने किसी की हेल्प नहीं ली सिवाय उस मालिक की। अल्लाह ताला जो है ना वो मदद कर रहा है हमारे साथ, वो मालिक हेल्प कर रहा है, वरना हम में तो इतनी हिम्मत नहीं है ना। आप सबके प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से, और उस मालिक करम नवाजी से जो इतना सब कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने, माशाल्लाह दुल्हन की तरह घर सज गया है। तो जी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पीछे होकर दिखाना था कि पीछे होकर अगर देखें तो कैसा लगेगा। ये देखे पीछे होकर पार्क आ गई हमारी, और फूल आ गए माशाल्लाह, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम ना आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और व्लॉग का यही एंड करते हैं जी, मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले जी हमें अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखेगा और अपना रखेगा जी ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।